कर सकता है, मेरी बात समझ नहीं आ रही है। शादी तो करे कर, लड़का लड़का शादी कर सकता है, लड़की लड़की शादी कर सकती है। हमने ये ओपन कर दिया, खुला कर दिया। अच्छा किया, अच्छा किया जी। बताइए बाबा, बोला देखते हैं भैया, मैं इस फैसले संतुष्ट हूं, सहमत हूँ मैं इस बात पे। अरे संबंध वाली बात छोड़ो, जरूरी था ये, काफी दिन से लटका पड़े थे बीमारी है। आज अगर लड़का लड़की को साथ घूमेंगे उन पर भी सख्ती नजर पड़ेगी। सख्त क्यों होगा, तो कानून पास हो लिया, सख्त करने वाला नहीं होता है। तो कानून पास हो लिया, फिर तो सख्ती गुंजाइश नहीं रही। जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, परिवार नहीं बढ़ेगा, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? ये सब करेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी, इसी पे बात होगी। सारे एग्री थोड़ा हुआ। एक लड़का और लड़का कैसे संभोग करके चाइल्ड को, बच्चे को जन्म कैसे दे सकते हैं? जन्म उनका तो जन्म होगा नहीं, उससे जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। लेकिन और बतेरे हैं, 10.5% होंगे, तो 20 होंगे, 80% तो करेंगे इस काम में। अगर लड़कियां लड़कियां अगर ट्यूशन जाएंगी तो लोग उन पर भी एक सख्ती नजर डालेंगे कि इनके अंदर जो है, इनके साथ जो अगर रिलेशनशिप है, अब क्या फर्क पड़ेगा? अब नहीं डाल रहे क्या सख्ती नजर, जब लड़कियां लड़की ट्यूशन पर जा, अब नहीं कोई देखता उन्हें। आज की तो बात करें कि लड़का और लड़की जाती है तो फ्रेंड सर्कल है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, चलता है। मगर ये जो कानून पास हुआ, लड़का और लड़का साथ चलने पर भी पाबंदी होगी, तो क्या कहना है? जब कानून पास हो लिया तो मर्जी है, वैवाहिक जीवन उनका कैसे पार होगा? दोनों के एक उम्र है, तो क्या सोचेंगे? गलत है ये लोग? हाँ गलत भी सोचेंगे, गलत भी सोचेंगे ना। तो क्या मानना है आपका, बताना है आपको जी। भाई वैसे मेरा नाम प्रेमचंद वर्मा, 377 जो एक मामला था, 10 साल की सजा थी भाई, इसका असर गलत जाएगा पब्लिक में, इसका कोई अच्छा असर थोड़ा जाएगा। और ये किसी पार्टी की या किसी बात की बात नहीं, ये तो पब्लिक की, आम जनता की बात है। इसका असर तो पब्लिक में गलत ही पड़ेगा। कैसे गलत मानते हैं? ऐसे मानते हैं कि कोई किसी को नहीं मारा पड़ता है, कि बहन बहन है, भाई भाई है, अनवरत भीर है, क्या चक्कर है क्या नहीं, इनका कोई पता पड़ेगा इस बात का? ऐसा गलत हो जाएगा, समाज में इसका कितना फर्क पड़ेगा? बहुत गंदा असर पड़ेगा इसका, गंदा सर। बल्कि इससे तो वही बढ़िया है जो इन्होंने कानून बनाने की मेहरबानी, कहीं रहो मर्द कहीं रहो, इससे तो वो भी अच्छा बहन जो है। लेकिन ये तो बहुत गंदा नियम बना क्या मानते, इससे तो जो हमारे बच्चे हैं वो साथ साथ रहेंगे तो भी पर लोग। हाँ किसको बता कि हमारे बच्चे एक, तेरे बच्चे किसी पड़ोसी के बच्चे एक, एक मर्द भी रहे मान भाई ने ब्याह करा क्या क्या करा। हाँ तो वही तो बता, मैं तो मुझे चला लेंगे तो परिवार चलाने की तो जरूरत ही नहीं। खैर एक ढंग से तो ये ठीक भी है, तो कर नहीं सकता। तो अगर इनको खुली छूट दे दी जा, अब तुम किसी करो तो साल भर तो पहले तो बच्चा पैदा नहीं हो, और नू कह दे भाई एक मेहरबानी चाहे 10 मिनट तू कर रह लो। लड़की लड़की और लड़का लड़का कैसे बच्चा पैदा करेंगे? अरे नहीं होना तो ना होना, तो जनसंख्या तो घटेगी, असली जड़ पाओ ना। आज देश की स्थिति अब तक किसी की गवर्नमेंट है जो इस महंगाई को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जब तक जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं होना महंगाई सरकार ने नहीं, सरकार ने ठीक यू नहीं करा। मतलब ये इसका हित जो है वो आपस में तो गंदा पड़ेगा, बस देखने बालने वाले को किसी का नहीं पता पड़े अभी कौन है कौन नहीं। अब जब कोई मीरबानी नहीं मोटरसाइकिल बैठ कर संतल पर हाथ लगा ले, कहा है इसकी घर वाली है, और कमर पास धर ले भाई पता नहीं कौन बैठा रहा कौन। तो ये तो कितने काम जो है इन्होंने तो खुली हो रही है, इन्हें तो खुली हो रही, कतई इन पर कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल गलत किया है। क्या राय आपकी? मेरा मानना तो यही है कि भाई बिल्कुल गलत किया है सरकार ने। जैसे जैसे कि हमारा जो समाज है वो इस बात को लागू नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं मान सकता कि भाई जो लड़का और लड़का शादी करें या लड़की लड़की शादी करें। ये सर जो भी किया है ना उन्होंने बहुत गलत किया है, हम इस चीज़ से एग्री नहीं है बिल्कुल भी। इससे तो घरों का घर खराब हो जाएंगे, समाज में विविधता फैल जाएगी। यहाँ पे तो सरेआम चल रहा है, अभी हमारे आगे एक दो केस आए भी हैं, बंदे बंदे साथ घूम रहे हैं, जेल बैठे हैं, जेल खा रहे हैं, लड़का लड़का साथ घूम रहा है, गलत हो रहा है सर, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, हम इस चीज़ के खिलाफ है। क्या होना नहीं चाहिए था सर ये, जब इतने दिनों से नहीं हुआ, ये पता नहीं सरकार क्या ड्रामे कर रही है, ये हमारे तो समझ में नहीं।
मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप एक बार बताइए, अब कल को हम इस गली से एक दोस्त के साथ निकल रहा हूँ, लोग किस तरह देखेंगे कि दोनों लड़के एक साथ चल रहे हैं? हो सकता है इनमें भी कोई वो संबंध हो। कल को दो लड़कियाँ जाती हैं, कल को हमारी बहन बेटियाँ साथ में जाती हैं, तो लोगों की गलत नज़र पड़ेगी। प्रभाव ये पड़ेगा कि जैसे आज से पहले हम दो यार दोस्त इकट्ठे घूमते थे, बाइक पे घूम रहे हैं, गाड़ी घूम रहे हैं, तो सब नॉर्मल था कि प्यार मोहब्बत है, सच्चे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। और अब क्या सोचेंगे कि दोनों साथ घूम रहे हैं और इनका भी कोई संबंध हो? तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं इस फैसले के बिल्कुल देना चाहिए वापस। उन बच्चों के दिमाग पे ये प्रभाव पड़ेगा कि वो लोग अगर खबर सुनते हैं कि लड़का लड़का शादी कर सकते हैं, लड़की लड़की शादी कर सकते हैं, आप देखते होंगे छोटे बच्चे गुड्डे गुड़िया खेल खेलते थे, गुड्डे गुड़िया की शादी कर रहे हैं, अब आगे क्या करेंगे? वो गुड्डे गुड्डों की शादी कराएंगे, उनके दिमाग में क्या बात बनेगी कि ये लड़का मेरा दोस्त है तो मैं इसे शादी करूंगा? वही उनकी मेंटेलिटी चेंज करके उन्हें होमोसेक्सुअल बना देगा। एक लड़का हमेशा एक लड़के के साथ दिखाई देता है तो वो उसको कहेंगे कि इसका मित्र है, कैसा मित्र है, इसका समलैंगिक मित्र है। अगर वही लड़का किसी लड़की के साथ दिखाई देता है तो उनको डर नहीं होगा, अरे तो समलैंगिक है। बिल्कुल बिल्कुल, अब डर के डर बैठ जाएगा ना कि कहीं हम पे उंगली उठ जाए, बैठना हम खुद को लेके चलते हैं। कल तक यार दोस्त कल के चलते थे तो अच्छा लगे, सच्चे दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं। अब डर लगता है कि साला हाथ पकड़ लिया और बोलेंगे क्या कर रहे हैं, ये तो वही है, ये उन्हीं में से है, हमें एक कैटेगरी मिली है उन्हीं में से। जैसे उसका फ्यूचर क्या होगा? अगर लड़का लड़का शादी करते हैं तो बाप कौन बनेगा, माँ कौन बनेगी, आगे परिवार कैसे बढ़ेगा? वो सिर्फ शादी तक ही सीमित है और वो एक टाइम पीरियड होता है। मैं उसको एक टाइम पीरियड बोलूँगा कि जब बुढ़ापा आ जाएगा, ये जो संबंध है ये पूरी उम्र नहीं चलते हैं, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उनका आगे फ्यूचर क्या है? कौन तो खाना देगा, कौन खाना बनाएगा? बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। अगर ऐसा कुछ बताया है, जैसे हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, लेस्बियन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो लड़कियों में होता है। जो लड़कियां लड़कों से दूर भागती हैं वो संतुष्टि उन्हें लड़कियों से मिलती है। अब वो ऐसा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मैं यहाँ ओपन मीडिया नहीं बोल सकता, इतना सब समझदार है। जैसे लड़का करते हैं लड़के आपस में करते हैं, वैसे लड़कियाँ भी करती हैं, सबका अपना अपना तरीका है। फिंगर भी यूज़ करते हैं, मुँह भी यूज़ करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो ये बात मैं बोलना नहीं चाहूँगा। सर मेरा नाम अनिल है, मैं ये कहता हूँ कि जो ये 377 का जो ये केस रद्द हुआ है, इससे मैं नाखुश हूँ। और इसमें लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें लोगों पर, लड़कियों पर, काफ़ी फैमिली पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और मतलब ये लगा लो काफ़ी नुकसान होगा। फैमिली खिंड भी सकती है, बिखर भी सकती है, काफ़ी लोग परेशान होंगे। लड़की लड़कियाँ खुले में ऐसा करेंगे तो क्या होगा? नहीं, ये तो गलत है ना, जो गलत है वो गलत है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ना कभी होगा, ना परिवार डेवलप होगा, ना कभी ऐसा होगा, ना कभी होने देगा उन्हें। ये मैं तो इससे नाखिलाफ हूँ, बिल्कुल भी ना हो जी, ये तो बहुत नाखिलाफ है। गंदी निगाह से देखा जाएगा, बेकार है, ये तो बिल्कुल गलत है। सर ये फर्क पड़ेगा, अगर मैं उसके साथ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो उससे गंदा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा बंदा सोचेगा कि अंदर बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, काफ़ी कुछ फर्क पड़ेगा उसमें, रिलेशन पड़ेगा गंदा, वो पड़ेगा सामने वाला, इफेक्ट हो जाएगा। मतलब ये तो आपस में ही कुछ ना कुछ है इनका, गलती समझेंगे सर इसमें तो, गलत क्या, और दूसरे बंदे ही सामने वाले भी यही समझेंगे, लड़की लड़कियाँ बात करेंगे तो उसके बारे में भी ये समझेंगे, तो गलत है जी। मतलब सर कहीं ना कहीं आप ट्यूशन जा रहे हैं, सर देखो ट्यूशन तो जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं और घूमने भी जाते हैं, इधर उधर भी जाते हैं, लड़के लड़के साथ में भी जाते हैं, और लड़के लड़के ही साथ में जाएंगे, और लड़के लड़के साथ में जाएंगे तो लड़की लड़कियाँ थोड़ा ना जाएंगे, उसको तो और ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ेगा। ये देखो, हाँ सर सबकी निगाह से देखेंगे उसको, तो बिल्कुल उसको रहना भी दुश्वार हो जाए। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत, क्योंकि हमारे बच्चों पर या इसमें माहौल कितना असर पड़ेगा, गंदा असर पड़ेगा सारा। ठीक है, मान लिया बेटी बेटी और बैठ बैठ भाई भाई अगर शादी कर लेते हैं तो उसमें पूरे उसमें माहौल, सारे माहौल को खराब करने वाली बात है। सरकार ने जो किया वो सरासर गलत है, गलत है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, रोक हटा दे बिल्कुल, इस पर
पे रोक हटनी चाहिए और जैसा माहौल पहले चल रहा था वही चलना चाहिए। तो अब क्या फर्क पड़ेगा?